हमारे देश में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। इसी बीच जालौर जिले के संचौर इलाके में किसानों के साथ प्रशासनिक अमले की ओर से की गई बर्बरता अब सामने आई है, जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज जाएगा। यहां प्रतापपुरा के गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा था। इसी दौरान जब किसानों ने काम रोका तो संचौर एसडीएम ने उनको लाते मारनी शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे अब वायरल हो गया है। एसडीएम यादव का कहना है कि किसान लाठी लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए अपने बचाव में उन्हें लाते मारनी शुरू करनी पड़ी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अपने बचाव पर किसान पर लात चलाना किस हद तक सही है। ये उन्हीं किसान पर उन्होंने लातें चलाई हैं जिनकी वजह से हम भूखे पेट नहीं रहते, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, जिनकी मेहनत से हमें खाना मिल पा रहा है। इसी बीच प्रशासनिक अमले के एक कर्मचारी ने 15 साल की एक बच्ची को चलती गाड़ी से कुछ देर तक घसीटा। अगर वास्तव में किसान पर लातें अपने बचाव में चलाई गई थी तो एक बच्ची को गाड़ी से क्यों घसीटा गया? क्या उससे भी अपने बचाव की आवश्यकता पड़ गई थी इन अधिकारियों को? लड़की के साथ हुए इस व्यवहार से किसान आक्रोशित हो गए और किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की शुरुआत हो गई।